यस माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास सेवेंथ आफ्टर मिड टर्म एग्ज़ाम्स जो आपका सिलेबस है स्टार्ट होता है यूनिट फोर से, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। क्या है एक्सपोनेंट्स, क्या है पावर? इंट्रोडक्शन में आपने क्या लिखना है? इफ़ देयर इज़ ए नंबर रिटन इन दिस फॉर्म 4 raised to power 2, अगर कोई नंबर आपको 4 raised to power 2 इस फॉर्म में लिखा हुआ दिखे, 4 raised to power 2, क्लास सिक्स में भी ऐसा देखा आपने पावर की फॉर्म में लिखा हुआ 4 raised to power 2, देन 4 इज कॉल्ड इट्स बेस। तो इस 4 raised to power 2 में जो 4 है उसको हम कहेंगे बेस है ये, एंड जो पावर 2 है, एंड 2 इज कॉल्ड पावर और एक्सपोनेंट। जो 2 है उसको चाहे तो पावर कह दो चाहे एक्सपोनेंट, पावर और एक्सपोनेंट जो दोनों का मीनिंग सेम है। इसी तरह अगर -5 ब्रैकेट में लिखा है और रेज टू पावर 3 है तो हम क्या कहेंगे कि जो इसका बेस है दैट इज़ -5 एंड जो इसका एक्सपोनेंट है दैट इज़ 3। अब समझ आ गया होगा कि बेस और एक्सपोनेंट क्या होते हैं। उसके बाद है रैशनल नंबर। इफ़ पी अपॉन क्यू इज़ ए रैशनल नंबर, अगर पी अपॉन क्यू कोई रैशनल नंबर है, अपॉन की फॉर्म में होता है रैशनल नंबर, एंड एम इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर, और अगर एम कोई पॉजिटिव इंटीजर है और वो पी अपॉन क्यू रेज टू पावर एम फॉर्म में लिखा हुआ है, देन पी अपॉन क्यू रेज टू पावर एम, तो इसका मतलब ये है कि पी के ऊपर पावर एम अलग लगेगी और क्यू के ऊपर पावर एम अलग लगेगी। मीन्स न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के ऊपर पावर जो है वो अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपकी आ जाती है वर्कशीट 1, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कुछ पार्ट्स में से मैंने एक दो पार्ट करे हैं, बाकी आप अपने आप कर सकते हो, बहुत आसान है। -3/(1/3)^3, इसमें से हमने बताना है बेस क्या है और पावर एक्सपोनेंट क्या है। तो जो ब्रैकेट के अंदर टर्म लिखी हुई है दैट इज़ बेस, और जो ऊपर लगा हुआ है दैट इज़ एक्सपोनेंट। इसके सिक्स पार्ट में -2/3 है, मीन्स ब्रैकेट है ही नहीं, ना ब्रैकेट है ना पावर है। तो कोई भी नंबर अगर -2/3 ऐसे ही लिखा हुआ है तो हम उसको -2/3 ब्रैकेट लगा के पावर 1 लगा सकते हैं। जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी 1 होती है। तो मींस अब हमें मिल गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ, तो बेस -2/3 बन गया और एक्सपोनेंट बन गया 1। क्वेश्चन नंबर 2, इसके बाकी के रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं आप खुद करोगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है 5/6, इसको एक्सपोनेंशियल। अब अपने को ये देखना है कि 5/6 कितनी बार रिपीट हो रहा है, हाउ मैनी टाइम्स 5/6 इज रिपीटेड, 5/6, इट इज़ 2 टाइम्स। तो इसको ब्रैकेट में लिख के और पावर 2 लगा दो, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2 काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, एक बार लिख के पावर 5 लगा दो। सेम हेयर फॉर 1.8। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। वो कहते हैं कि पावर फॉर्म में आपको नंबर दिया हुआ है, इसको खोल के पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखो। जैसे हमने पिछले सम में जितनी बार रिपीट हो रहा था उतनी पावर लगाई थी, अब इसका ठीक उल्टा हो गया, यहाँ पावर 3 है तो इसको बार 3 बार लिख दो। 5/6 raised to power 3 है तो 3 टाइम्स इसको लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो, 5/5 = 25, 25/5 = 125, 6/6 = 36, 36/6 = 216। सेम -12/13 raised to power 2, 2 मीन्स 2 टाइम्स लिखना है। और सिक्स क्लास में इंटीजर्स में आपको पता था कि माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होता है दैट विल बिकम प्लस। 12 को 12 से करोगे तो 144 आ जाएगी मल्टीप्लिकेशन, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 169 आ जाएगी। फिर है -1/2 raised to power 5, मीन्स 5 टाइम्स लिखना है। बच्चों सिक्स क्लास में इंटीजर्स, यूनिट 3 में इंटीजर्स था, उसमें आपको क्लियर समझाया गया था कि अगर ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन है और पावर इवन है और पावर ओड है तो क्या है। अगर नेगेटिव साइन के साथ पावर इवन है देन आंसर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, और नेगेटिव साइन के साथ अगर पावर ओड नंबर है 1, 3, 5, 7 ओड नंबर, देन आंसर विल ऑलवेज बी नेगेटिव, बिकॉज माइनस और माइनस जो है वो प्लस बन गया, फिर माइनस और माइनस प्लस बन गया तो एक रह गया।
तो हर बार हम ऐसे सोचें, इतना करके देखें, तो आप ध्यान रखो कि इवन और ओड का हिसाब लगा के रखो। अगर इवन है आंसर पॉजिटिव, ओड है तो आंसर नेगेटिव। 1 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। 2 2s are 6, 2 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32। अब ठीक इसका ठीक उल्टा हो गया। पहले 2 से रिलेटेड रेसिप्रोकल जो था उल्टा था, जो थर्ड था, अब थर्ड से उल्टा 4। अब ये वाला नंबर जो है वो स्टेटमेंट बन गई और जो ये है वो आंसर बनाएंगे कि इसको पावर फॉर्म में लिखो। प्राइम फैक्टराइजेशन बनानी है 81, दैट इज ओड नंबर, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। प्राइम फैक्टराइजेशन बनाओ सबसे छोटे नंबर से, बढ़ते हुए आगे चलो। 3 पे कट गया 27, फिर 3 पे कट गया, फिर 3 पे, फिर 3 पे। इसी तरह 625, लास्ट डिजिट इज 5, सो इट इज डिविजिबल बाय 5। डिविजिबिलिटी रूल भी आपने क्लास 6th में बड़े अच्छे से सीखे हैं यूनिट 2 के अंदर, तो डिविजिबिलिटी रूल आने चाहिए कि ये नंबर कितने पर कटेगा, ये नंबर कितने पे कटेगा। तो आपको जैसे ये यूनिट पहली बार आई है तो बड़े तरीके सिर के सम दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 4 आए हैं, तो 1 2 3 4 यहाँ पर भी 4, सेम कुछ रिलेशन ऐसा दिया हुआ होगा। तो मीन्स 81 को 3 और 625 को 5 की फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लिया हमने, तो 3/5 कितनी बार है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो दोनों की पावर 4 लगा दो। -7, -343 और 1 512। इसमें ध्यान देना है बच्चों, 343 आपको डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल आता है तो बड़ा आसान हो जाता है। 7 पे, ये 7 पे जाता है, तो 49 आ गया, फिर 7 पे 7, फिर 7 पे 1, तो मीन्स 1 2 3, 3 बार आया 7। अब हम इधर देखते हैं 512, 2 पे गया, 2 पे, 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 2 पे। अभी पिछले समय मैंने कहा कि इधर 4 बार है तो इधर भी 4 बार आएगा, लेकिन यहाँ तो वो फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा। ये तो आ गया 1 2 3 3 टाइम्स, लेकिन ये आ गया 9 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमने यहाँ से ग्रुपिंग करनी है, जैसे ये 3 का एक ग्रुप हो गया, तो इसमें भी 3 का एक ग्रुप बना लो, 3 का एक ग्रुप बना लो, 3 का एक ग्रुप बना लो। 3 ग्रुप बन गए, 2 2 2, 2 2 2, 8 हो गया। अब जो ये 7 की पावर है दैट इज 3, 1 2 3, 3 बार, तो यहाँ पर 8 की पावर भी 3 बनेगी। तो मीन्स जो 3 है दैट इज ओड नंबर, तो ओड नंबर कहता है कि माइनस को अंदर रखो, तो ये ओड नंबर से मीन्स ये जो आंसर आएगा वो अपने आप ही नेगेटिव आएगा। तो माइनस जो साइन है वो आपने बाहर नहीं लगाना, ब्रैकेट के अंदर लगाना है, ध्यान रखना है कि ये ओड नंबर है। इसी तरह यहाँ पर करना है 216, 2 पे जा रहा है, फिर ये, फिर ये। अब यहाँ पर 2 डिजिट आ गई, इसमें सारा सेम एक ही डिजिट आ रहा था, यहाँ पे भी एक ही आ रहा था, यहाँ पे भी एक, यहाँ पर भी एक, हर समय थोड़ा थोड़ा सा चेंज दे रहा है वो। तो यहाँ पर 2 भी आ गया और 3 भी आ गया। अब हमने देखना है कि 2 जो है वो कितनी बार है, 3 टाइम्स, और ये 3 जो है वो भी 3 टाइम्स, तो 2 मल्टीप्लाई 3 कर दो, बन गया 6। अब एक ग्रुप के अंदर 1 2 3 3 मेंबर्स रखे हैं तो पावर 3। इसी तरह यहाँ पर 1 2 3 ग्रुप में 3 मेंबर्स रखे थे तो पावर 3, तो 2 और 3 मल्टीप्लाई 6, 6 की पावर 3। तो क्योंकि ये पावर ओड है और यहाँ पर भी माइनस है, तो -1/6 रेज़ टू पावर 3। तो ये थे जो बाकी के पार्ट्स हैं, वो आप खुद करोगे, और कोई बच्चा बार 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 क्वेरी नहीं भेजेगा। एक ही बारी में क्वेरी लूंगी मैं वर्कशीट 1 2 3 की, कोशिश करो अपने आप करने की, ठीक है बच्चों? सो बेस्ट ऑफ लक करो पूरी। थैंक यू।